कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ। मेरा दिमाग भी माफ हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुराद को ऐसा क्या झूठ बोलूं कि वो मेरी बात को सच मान ले। उसे क्या कहूं मैं? हाँ मुराद से ये कह देती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अब तुम्हारा चेकअप 1-2 महीने के बाद होगा, तो बाद में आइएगा। इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता। ये अब किसका फोन आ रहा है? दीदम तस्काया? बिल्कुल, मैं दीदम बात कर रही हूँ, वही फेमस मॉडल। जो कहना है कहिए। मैं मलिकी। आप जो भी बात कर रही हैं ये बात याद रखें, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, जो भी मैगजीन में लिखना है लिखिए। देखिए मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं मलिक की बात कर रही हूँ। प्राइवेट क्लिनिक गुंजलार से। हाँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप मुझे? क्यों फोन किया है बताइए। दो लड़कियाँ मेरे पास आई थी दीदा मैम। अच्छा तो फिर क्या हुआ? ब्लड टेस्ट के बहाने से, उनको पता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। वो कह रही थी तुम्हें बतानी होगी ये बात किसी के सामने, नहीं तो मेरी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। क्या मतलब, कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे, तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। मेरी बात याद रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो और ये बात किसी को नहीं बताओगी, कान खोल के सुन लो, समझी तुम? हर चीज की कीमत होती है दीदम मैम। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम इस बात को छुपाने के लिए मुझसे पैसे मांग रही हो। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, याद रखना मैं तुम्हारी इन बातों से ब्लैकमेल होने वाली नहीं हूँ। आइंदा अगर तुमने मुझे फोन भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा, रखो फोन। बस बस बहुत हो गया, मैंने हार मान ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानती हैं उसे। अगर तुमने मुझसे कोई जरूरी बात करनी है तो आओ बैठो, बात करते हैं। नहीं बैठूंगी, मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे कहीं चैन नहीं आएगा, आप नहीं समझ सकती मेरे दिल को। ओके ठीक है, मैं समझ गई। ये देखो उठ गई मैं तुम्हारे लिए। ऐसे क्या घूर रहे हो तुम मुझसे? हाँ और मैं क्या कोई सर्कस का पांडा लग रही हूँ तुम्हें? चली जाओ यहाँ से, तुम भी कोई यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। चलो बताओ क्या हुआ। अब तुम्हें ऑफिस के किस एम्प्लॉय ने गुस्सा दिला दिया है? उन्होंने मान लिया कि वो दीदम को नहीं चाहते। ओके ये बात तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। उन्होंने कहा कि वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते, और इतना ही नहीं मुझे गले से लगा के कहा कि तुम आज के बाद कभी मत रोना, और ये भी कहा कि तुम्हारी अभी उम्र क्या है, तुम्हें तो कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। पहले तो उसने अपनी बहुत ही खूबसूरत आंखों से मेरी तरफ प्यार से देखा, और उसके बाद क्या किया, बड़े ही प्यार से मुझे समझाया कि हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर कुछ बातें बहुत ही अजीब सी हैं। मगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ। हाँ हाँ तुम आराम से बात करो, मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अब अगर कोई मुआवजा हो भी जाता है इंशाल्लाह, तो मेरा नाम भी हयात नहीं अगर मैं वो ना करूँ जो मैं कह रही हूँ। उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा, याद रखना है ये बात, और मुक्का मार के उसकी नाक भी तोड़ दूंगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, किसी के जज्बात के साथ कैसे खेलते हैं मैं बताऊंगी उसे, गिन गिन के बदले लूंगी मैं उससे। हाँ हाँ उससे कि तुम कौन हो। तुम जैसा मुझे बता रही हो मैं तो इमेजिन भी करने लग गई। मुझे तो सोच सोच कर ही मजा आ रहा है कि तुम उसे जलाओगी, फिर वो तुम्हें देखकर जलेगा और फिर उसकी रातों की नींद चली जाएगी, बस ऐसे ही कुछ। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरी बहादुर लड़की। बस अब अपने प्लान के मुताबिक ही करना, ओके? मेरा हर काम ऐसा शाहकार होता है कि लोग याद करते हैं। मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हो रही हूँ, मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वैसे तो मैं अपने आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आज तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। इधर आओ। ओह, बहुत मजा आने वाला है, देखना क्या क्या होगा। यूहू।